फ्रेंड्स, मैं मिसेज़ रेखा अपने यूट्यूब चैनल कुक विद मिसेज़ रेखा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग मलाई से मक्खन निकालना बताएंगे आपको, तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये हमने मलाई ली है, ये हमने 15 दिन की मलाई थी, मेरे पास इकट्ठा हुई थी। गाय के दूध की मलाई है, इसलिए ये थोड़ी सी येलो लग रही है। इसको हम लोग आज हाथ से फेंट करके निकालेंगे। आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से फेंट करके निकाला हुआ मक्खन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसको हम लोग झटपट हाथ से निकालेंगे। इसके लिए हमको एक बड़ा बर्तन लेना है, इसको फेंटे हैं खूब फेंट करके। फिर हम इसमें एक चम्मच मिलाएंगे। चीनी मिलाने से बहुत जल्दी मक्खन निकल जाता है। इसको हाथ से बराबर खूब चला करके, हाथ घुमा करके इसको फेंटना है बराबर। देखिएगा अभी कितना स्मूथ पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से मक्खन निकाल करके घी निकालने पे देखिए कितना स्मूथ पेस्ट हो गया है। ऐसे मक्खन निकाल करके घी निकालने से घी भी अधिक निकलता है, और मक्खन बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होता है, बड़े भी खा सकते हैं इसको। देखिए हमारी मलाई कितनी स्मूथ हो गई है, एकदम मक्खन के टेक्सचर में आ रही है। ये बहुत ही हेल्दी है। आप देखिए हमारे घी ने मक्खन अलग हो रहा है और पानी छोड़ रहा है, पानी अलग हो रहा है। इसको हम बराबर चलाएंगे। हमको चलाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। हमारा मक्खन क्योंकि अब अलग हो रहा है, हल्का सा हमने पानी ऐड किया है। आप मलाई से मक्खन निकालने से पहले मलाई को आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद 1 घंटे पहले फ्रिज में रख दीजिएगा, फ्रीज़र से निकाल के तब मक्खन बनाइएगा। देखिए कितना ज़्यादा हमारा मक्खन निकला है और कितना स्मूथ लग रहा है। वाह, ये मक्खन बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी है। ये आप लोग इसको खाइए भी और बच्चों को ज़रूर खिलाइए, जैसे माँ यशोदा अपने कान्हा को खिलाती थी। मिक्सी से में ग्राइंड करके मक्खन निकालना उतना हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि उसमें मिक्सी की गर्माहट आ जाती है। ये हाथ से निकालिए। ये देखिए हमारा ये एक्स्ट्रा दूध बच गया था, ये हम इसको हटा देंगे। इसको हमने थोड़ा सा निकाली। देखिए कितना ज़्यादा, थोड़ी सी मलाई से हमारा कितना ज़्यादा मक्खन निकला है। और अगर हम इसको पिघलाएंगे तो हमारा घी भी ज़्यादा निकलेगा। देखिए कितनी स्मूथनेस है इसमें, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया। अब हम इसको भी, इसमें घी की मलाई की महक है, क्योंकि कई दिन का मलाई हो जाता है, इसलिए हम इसको अब एक नॉर्मल वाटर में इसको हम धो लेंगे। देखिए हमारा कितना हल्का हो गया है, ये पानी के ऊपर तैर रहा है मक्खन हमारा। यही इसकी पहचान है कि हमारा मक्खन अच्छा तैयार हुआ है, क्योंकि घी से मक्खन जब बनता है तो मक्खन का वेट काफ़ी लाइट हो जाता है। जैसे आप लोग केक की क्रीम खाते हैं, वैसे एकदम हल्का हो जाता है। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मक्खन से किस तरह से क्रीम बनाई जाती है, जो केक वगैरह में यूज़ होती है, वो भी मैं बताऊंगी। जल्दी ही आप वीडियो बनाऊंगी उसका भी। देखिए कितना बढ़िया मक्खन रेडी हुआ है। घी हमारा जितना था जस्ट उसका डबल हमारा मक्खन निकला है, क्योंकि फेंटने से काफ़ी हल्का हो जाता है और हमारा घी नुकसान भी नहीं होता है। और गाय के दूध का मक्खन निकालिए, ये और ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा ये मक्खन निकल के रेडी हो गया है, इतना स्मूथ है। जितनी हमारी मलाई थी उसके डबल से भी अधिक हमारा मक्खन तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से मक्खन निकालिएगा। हाथ से मक्खन निकालने से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और मिक्सर से ग्राइंडर से निकालने से ये थोड़ा इसमें मशीन की गर्माहट आ जाती है। तो बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय गाइस।